Hello everyone, welcome back to our channel. ये मैं बैठी हूँ बालकनी में, जो बेडरूम के बाहर वाली बालकनी है. और ये जो प्लांट है ना ठीक मेरे पीछे, इसके बारे में मुझे कुछ जानना है. बहुत तेज गर्मी भी थी ना, तब भी हरा भरा था काफी. मतलब ये जो दिख रहा है ना, इस तरह पूरा हरा भरा था. लेकिन अभी मैंने देखा अचानक से, कोई 10-15 दिन हुए, और ये एकदम से सूख रहा है. पूरी डंठल इसकी सूख रही है, और लेकिन ऊपर की ओर काफी हरा भरा है, फ्रेश है एकदम. तो क्या ऐसा होगा कि बारिश के बाद ये पूरा सही हो जाएगा, हरा हो जाएगा, या फिर ये इसी तरीके से ही रहेगा? क्योंकि कुछ डंठल पूरी सूख चुकी हैं, पत्तियां भी, और कुछ में एकदम ऊपर से हरा हरा सा है. आधी डंठल भी हरी है तो आधी सूखी नजर आ रही है. अगर आपको कोई जानकारी है तो मुझे जरूर बताइएगा. शुभम ट्यूशन से आ गया है तो उसको भी मैंने मैंगो शेक बना के दिया है. और मेरी इच्छा हो रही है चाय पीने की. आज थोड़ा देरी हो गया, मैं दोपहर में ना लेट गई थी और ऐसा सोई हूँ. मतलब जैसे लोग सो के उठते हैं ना सुबह, वैसे वाले तो मैं सो के उठ गई. तो ये मुझे लग रहा है मैं अपने लिए बना लूँ चाय, उसके बाद होंगे आगे ये काम. और अभी 6:30 हो रहे हैं, कुछ भी खाने की जल्दी भी नहीं है. मैं भी सब आराम आराम से ही काम करूंगी. और चूंकि सो के उठी हूँ गहरी नींद के बाद, इसलिए आलस आ रहा है. तो मैं बना रही हूँ चाय, और चाय में मैं अदरक नहीं डालूंगी, दालचीनी डालूंगी. दालचीनी चाय में बहुत अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है. तो ये चाय की पत्ती के जो जार है, इसमें मैंने डाली इलायची के छिलके, क्योंकि कल मैंने इलायची पाउडर बनाया था और छिलके डाले. और ये है दालचीनी का पाउडर बना के रखा है. बस इस तरीके से चाय में कर लो, या हल्दी वाला दूध बनाते हैं ना, उसमें भी आप थोड़ा सा डाल सकते हो, चुटकी भर ही काफी हो जाता है. केक में भी यूज होता है. और मैं बनाना केक बनाने वाली हूँ, उसके लिए मुझे दालचीनी का पाउडर चाहिए था, इसलिए मैंने बना के रखा है. और चाय में हल्का सा डालो ना, टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी लगती है. और खासकर बनाना शेक में भी काम आता है, बच्चों के लिए कभी बनाना है. मैं चाय पी रही थी तो देखा तारक मेहता में भी इन लोगों के गिलास सबके हाथ में, वो सब सोडा वाटर पी रहे हैं और मेरे हाथ में एक चाय का गिलास है. और मैंने तैयारी कर ली है रात में क्या बने, तो पनीर भुर्जी बना रही हूँ मैं. पनीर की सब्जी भी बहुत सारी तरीके की होती है, वेरायटी, क्या बनाए, ये बनाए, वो बनाए. फिर मैंने सोचा नहीं चलो आज भुर्जी बनाते हैं, काफी टाइम हो गया नहीं बनाया. कढ़ाई पे मैंने तेल डाल करके गर्म करने रखा है, और इसमें गरम होते ही मैंने डाला है जीरा. ये स्टेनलेस स्टील कढ़ाई मेरी विनोद की है, बहुत बार कमेंट्स में पूछते हैं सब. और मैंने डाला है बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और अदरक कद्दूकस किया हुआ, अदरक, हरी मिर्ची और जीरा. अदरक के साथ वो लहसुन भी था, लहसुन क्रश करके. और फिर प्याज डाल दी है, प्याज डाल के भी भून लेंगे. तो अदरक लहसुन पहले डाला है, इसीलिए लहसुन का कच्चापन ना रहे, फ्राई हो जाए. और फिर प्याज डाल के भी भून लेंगे. अब इसमें डाला है मैंने 2 बारीक काट करके टमाटर, और प्याज भी 2 थी मीडियम साइज की. और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और नमक, ये सारी चीजें मैंने डाल दी हैं और मिक्स कर देंगे. सारे मसाले 1/2 चम्मच ही थे, धनिया पाउडर 1 चम्मच था. मिक्स कर लिया है, टमाटर के नमक भी डाला है तो टमाटर गल जाए. तो मैंने ढक दी है कढ़ाई, और धीमी आंच में ये सारा मसाला रेडी हो जाएगा. तब तक ये मैंने पनीर को घिस लिया है, कद्दूकस कर रही हूँ मैं, ग्रेट कर रही हूँ. वैसे बहुत सॉफ्ट पनीर है, हाथों से भी मसल के जा रहा है वो पूरा. और 250 ग्राम पनीर है ये. अब इतनी देर में जितने में मैंने पनीर ग्रेट किया, यहाँ पर मसाला हमारा परफेक्ट रेडी हो चुका है. अब मसाला तैयार है, इस वक्त मैं डालने वाली हूँ इसमें 2 चम्मच के करीब घी. जैसा कि मैं छोले पनीर और बहुत सारी सब्जियों में ऐसा करती हूँ. और जैसे ही घी गरम हुआ है तो उसके ऊपर थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे. इस टाइम पे घी पे कसूरी मेथी डालने से ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और ये पूरा मसाला अच्छे से समेट जाता है. लास्ट में घी डालो ना, फिर खुशबू आ जाती है और पूरा सेपरेट हो जाता है. अब ये मैंने डाला है ग्रेट किया हुआ पनीर, तो 250 ग्राम पनीर है, इसको पूरा हम डाल देंगे. बहुत सॉफ्ट था, वो हाथों से भी मसला जा रहा था, मैंने मोटे छेद वाले ग्रेटर से इसको किया है. बहुत बारीक से नहीं करना, वरना पूरा एकदम चिपचिपा चिपचिपा हो जाता है. अब ये हल्के हाथों पूरे मसाले के साथ पनीर को मिक्स कर देंगे. पहले वो इतना सॉफ्ट होता है पनीर, ज्यादा तेज घिसना रगड़ना नहीं है, हल्के हल्के भी इसको मलाना, मिक्स किया, वो पूरा परफेक्ट हो गया. सारे मसाले और ये सारी चीजें परफेक्ट है. लास्ट में आप भुने जीरे का पाउडर बस डाल दें,
और ये सर्व कर दें। तो पनीर भुर्जी हमारी रेडी है और मैंने पहले ही कसूरी मेथी डाली, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। कई बार लास्ट में डालू ना तो फिर वो अच्छे से भून नहीं पाती है। और अब मैंने कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया है और कुछ ही मिनटों में ये भुर्जी हमारी रेडी हो गई। एकदम शॉर्टकट वाला काम जब होता है ना तब मुझे ये भुर्जी याद आती है कि कुछ ना करना पड़े, और बस। और फिर सबको पसंद भी आता है ना, ये भी है, मतलब कम मेहनत से पूरा परिवार खुश। तो मैंने इसको निकाल लिया है और ये माइक्रोसेफ बोल है तो इसमें गर्म भी करने में इजी रहेगा जब ये लोग खाना खाएंगे। तो एक साइड में बना करके रख दिया। ऊपर से मैंने थोड़ा सा सफेद निकाल के रखा हुआ था पनीर एक चम्मच, वो ऊपर से डाल दिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ता भी हम ऊपर से दोबारा डाल देंगे तो ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो हमारा ये पनीर भुर्जी रेडी हो गई और ये जितना देखने में सुंदर है ना उतना ही खाने में भी टेस्टी होता है। पराठे, रोटी, कुछ भी बनाओ, नान, सबके साथ अच्छी लगती है पनीर भुर्जी। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। मैं बना रही हूँ मिल्क पराठा। मिल्क पराठा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लच्छा पराठा भी बना सकते हैं आप, थोड़ा अलग बना रही थी मैं रोज से। और 1 बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे और यहाँ पर मैंने डाला है सॉल्ट 1 टीस्पून और पीसी हुई चीनी डालेंगे 1 टीस्पून। ये मैंने जार में चीनी पीस के रखी है, पीसी हुई चीनी जल्दी घुलती है, लस्सी हो, मैंगो शेक हो, किसी दूध में भी घोलना है तो ये ज्यादा मतलब यूज होती है, वेस्ट नहीं होते दाने, चीनी घुलती नहीं है ना कई बार। ये मैंने डाला है 2 चम्मच घी। आप घी की जगह बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन बटर को मेल्ट करके डालना। तो फ्रिज में रखा हुआ था बटर तो मुझे लगा इसे गर्म करना पड़ेगा, इससे अच्छा घी डाल देते हैं। तो घी एकदम रूम टेम्परेचर में है, सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे, नमक, चीनी, मिल्क पाउडर, घी और आटा। आप इसमें मैदे का बनाइएगा तो एकदम व्हाइट और बहुत सुंदर बनता है देखने में भी, लेकिन मैंने गेहूं का आटा यूज किया है। अब इसमें करीब 1 कप दूध आराम से लग जाता है क्योंकि ये मिल्क पराठा है, पूरा दूध में ही गूंथा जाता है। 2 कप गेहूं का आटा है तो 1 से 1.5 कप के बीच दूध लग जाता है और मिल्क पाउडर से इसका टेस्ट अच्छा आता है। हल्की सी चीनी जो डाली है उससे हल्का मिठास होता है लेकिन कलर ब्राउन आता है, सिकता अच्छा है, पराठा का कलर अच्छा आता है, करारे बनते हैं। और हल्का सा नमक। तो ये डो को अच्छे से मल के फिर मैंने ढक के रख दिया है। अब ढकना तो इसे 10-15 मिनट के लिए है लेकिन हमारे घर आधा पौन घंटे रखा ही रह जाएगा क्योंकि अभी खाना बना नहीं रही हूँ, थोड़ी देर आराम से रखा हुआ है, देर से बनाऊंगी पराठे तो वो गर्म भी रहेंगे। खाना तो तैयार रखा है, जब ये लोग खाएंगे तब मैं गर्म पराठे सेक दूंगी। और शॉर्टकट ही था, फटाफट से बन गया। आज मनमाड गए ना, पिताजी सुबह ही निकल गए थे तो आ जाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर पास में ही है मनमाड, भुसावर से जलगांव, जलगांव से आगे मनमाड, शिरडी जाते हैं ना जो लोग मनमाड जाते होंगे उनको ट्रेनिंग को लेके जाना था, जो यहाँ आते हैं ना रेलवे में ट्रेनिंग सेंटर में, एक बार और गए थे अभी कुछ दिनों पहले। और आजकल ना मुझे नींद बहुत आती है, आज दोपहर में मैं ऐसा सोई थी जैसे लोग रात में सोते हैं, सपने अपने भी दिखाई दे रहे बड़ी चाची सपने में आई थी और पता नहीं क्या क्या थोड़ा सा याद आया था। मतलब दोपहर में मैं कभी इतनी गहरी नींद नहीं सोती। और कब सोई थी, शुभम ट्यूशन चला गया ना उसके बाद फिर दरवाजा बंद किया और बस थोड़ी देर के लिए लेटने गई थी, गहरी नींद में पहुंच गई मैं। बहुत नींद आती है आजकल मुझे, क्यों पता नहीं और बस ऐसा जैसे आधी आधी रसोई होती है तो लगता है क्या करें अब क्या करें, ऐसा है। सुबह तो शुभम का स्कूल रहता है, सब जल्दी जल्दी रहता है, टिफिन वगैरह। आज और भी जल्दी उठी थी मैं, खैर हाँ ये भी है, 5 बजे उठी थी आज मैं क्योंकि इनको जाना था ना सुबह 5:30 बजे निकलना था ट्रेन से, इसी वजह से मुझे लग रहा है इसीलिए दोपहर में सोई थी मैं, है अभी मुझे याद आया। तो मैं अभी बैठ के अपना न्यूज देख रही थी, शुभम अपने स्कूल का होमवर्क वगैरह कर रहा था, ट्यूशन से आता है तो वो सब अपना काम कर रहा है। अब जब ये था कि खाने का टाइम है ना, वो अगले के टाइम पर मैंने पराठे सेके। एक बार फोन पे बात की थी गुप्ता जी से कि कब तक आपको आना है, तो बोले कि अब हम जलगांव से निकल गए, आने वाले हैं भुसावल। तो फिर मैंने सोचा चलो अब शुरू किया जाए क्योंकि भुसावल और जलगांव में ना आधा घंटे का ही रास्ता है।
और ये गोल पराठा बेल करके पूरे में घी लगा करके सूखा आटा डस्ट करके मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके स्क्वायर शेप में बनाया है। आप जब बीच में ना चीनी डाल सकते हैं। ये मिल्क पराठा सुबह के नाश्ते में दूध के साथ बच्चों को बहुत पसंद आता है, चाय के साथ भी अच्छा लगता है, तब मैं चीनी डालती हूँ। अभी चूंकि हमें इसको भुर्जी के साथ खाना है तो मैंने अंदर चीनी नहीं डाली है, जो सिर्फ दो में चीनी है, हल्की सी मिठास वही है। वैसे इसकी जब फोल्ड करते हैं ना तब चीनी लगाते हैं, क्योंकि मिल्क पराठा स्वीट होता है, हल्का सा मीठापन अच्छा लगता है, लेकिन सब्जी के साथ कहाँ अच्छा लगेगा मीठा, इसलिए नहीं डाला। बस अब इसको अच्छे से दोनों साइड पलट करके सेको। नॉर्मली जो आप पराठे बनाते हैं ना उससे एकदम ही चेंज मिलेगा आपको। ये पराठा खाने में बहुत स्वाद होता है, खुसखुसापन होता है और देखने में सुंदर होता है, फूलता बहुत अच्छा है। स्क्वायर पराठे जब भी बनाती हूँ मैं तो वो फूलते हैं, मुझे देखने में बड़ा मजा आता है। लेकिन वो जैसे एक साइड फूलता है ना धीमी आंच में और जब हम उसको पलटते हैं तो साइड से हवा निकल जाती है, क्योंकि वो चार फोल्ड रहते हैं, वो कहीं ना कहीं से उसको जगह मिली जाती है हवा निकल कर। और सेकने में भी मजा आता है, बेलने में अच्छे लगते हैं, थोड़ा ऐसे ठहर ठहर के बेलना पड़ता है ना, यूं यूं घुमा घुमा के, वरना वो गोल वाले की तो रोज की आदत बनी रहती है और रोज से देखने में भी अलग लगते हैं। तो ये देखो ऐसे ऐसे फूल रहे थे, और जब मैं उसको सोच रही थी कि कैप्चर करें तब तक वो पिचक जा रहा था, क्योंकि जैसे पलटो वो हवा निकल गई। बस हल्का सा घी लगा के दोनों तरफ से बस एक, तो ये पराठे ना ठंडे भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इतना खुसखुसापन होता है ना मोयन की वजह से और दूध की वजह से भी, मिल्क पाउडर का टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है। अगर ये पराठे मैदे के बनाए होते ना तो उनका कलर और ज्यादा सुंदर आता है, वो वाइट कलर में जो आता है ना वो वाले पराठे तैयार हो जाते हैं। तो हमारे पराठे रेडी, इन्हें मैंने कैसरोल में रखा, साइड किया, तब तक आ गए थे गुप्ता जी, मैं आखिरी पराठे सेक ही रही थी। फिर अब ये है कि थोड़ा रुक के ही खाएंगे ना, फिर जब खाने की बारी आई, प्याज काट लिया है, नींबू, शुभम तो प्याज नहीं खाता है और इनके हिसाब से काटी है एक प्याज, और प्लेटिंग कर रहे हैं पनीर भुर्जी पराठा और प्याज नींबू। बड़ा मुझे इस तरह की रसोई जब होती है ना मुझे लगता है ऐसे कुछ तो की हुआ ही नहीं, कुछ तो किया ही नहीं, ऐसे खाली खाली सा लगता है। और सब खा रहे हैं और मुझे ना पुष्पा सीरियल देखने में बहुत मजा आ रहा है आजकल, इतना अच्छा लग रहा है, मैं तो पूरे टाइम रोती रहती हूँ उसको देख करके। उनके डायलॉग, उनकी एक्टिंग कमाल है यार, रियल लाइफ से एकदम चिपक के है, जुड़ के। कई बार तो लगता है। और अब सुबह टिफिन है, नाश्ता है, और चूंकि घर में है पनीर भुर्जी तो इससे बहुत ही आसान हो जाता है। मॉर्निंग टाइम पे ब्रेकफास्ट के लिए आप पनीर के पराठे बना सकते हो, बच्चे के टिफिन में देने के लिए पनीर रोल बना सकते हो, चपाती रोल, तो ये भी बहुत ही आसान है, और या फिर सैंडविच फिलिंग तो जिंदाबाद। तो इस तरीके की चीजें, आलू मसाला है या पनीर भुर्जी है, ये अगर फ्रिज में रही ना तो सुबह का काम काफी आसान हो जाता है हम लोगों के लिए। और ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं रात में शॉर्टकट, और उनका आराम मिलता है सुबह भी, तो ये है उनमें से एक भी है। जैसे आलू का मिक्सचर हुआ, तमाम वैरायटी बन जाती है सुबह के नाश्ते में, वैसे ही पनीर भुर्जी का भी है कमाल। और इनको स्टफ करके अच्छे से पैक करके बेल लो। ये फ्रिज में रख दिया था तो ठंडा हो गया है पनीर, अभी मैंने गर्म भी नहीं किया है, ठंडा होने से फिर वो जैसे और ड्राई हो गया है, होता है ना फ्रिज में रख दो तो और गाढ़ा सा हो जाता है, वो वाली चीज हो जाती है। तो पैक करके बेलते बहुत अच्छे बनते हैं, पूरे फूले फूले पराठे बनते हैं, और भी बड़ी मजा आता है, मतलब बाहर नहीं निकलती है पनीर। खूब अच्छे से पैक कर दो लोई में, जितनी लोई लो पनीर भर लो, और फूलते हैं बढ़िया पराठे, बेलने में अच्छे रहते हैं ठंडे की वजह से। आलू में भी आपने नोटिस किया होगा, रखा हुआ फ्रिज का आलू अगले दिन और अच्छे पराठे बेलते बनते हैं, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है ना तो थोड़ा सा कड़क हो जाता है, गीलापन सा नहीं रहता, नरम नरम। बस फटाफट से पराठे बन गए, शुभम भी खुश हो गया, ट्यूशन स्कूल में टिफिन में उसको यही पराठे मिले, और ये गुप्ता जी के नाश्ते के लिए अभी मैंने बनाए हैं, तो दही मक्खन पराठा हो गया। जब दही है तो फिर चाय और दूध नहीं लेते हैं नाश्ते में, और यही सुबह के समय में नाश्ते का काम भी हो गया, एक आराम वाला काम। सैंडविचेस और भी मजे आते बनाने में, जब बस उसमें तो कुछ भी नहीं करना है, भरो और सेको और शुरू। और डस्टिंग करनी होती है सुबह के समय, मैंने कपड़े लगा दिए थे मशीन में, पहले ही लगा दिए थे, फिर ये सब काम कर रही थी, ताकि जैसे मेरे यहाँ अंदर के काम खत्म हो कि सीधे कपड़े फैला दूं, और बस इस तरह की काम। फिर जैसे ही झाड़ू पोछा लग गया कि फिर अपना नहाना धोना रहता है,
दरवाजा बंद करने का ये रहता है ना कि अब कोई काम नहीं आने जाने वाले। शुभम सुबह निकल गया, गुप्ता जी अभी ड्यूटी गए तो सीधे शाम में ही आते हैं। शुभम को लेने जाऊंगी मैं 2 बजे स्कूल, उसके पहले तक खाली बैठे रहते हैं, कुछ ऐसा खास काम होता ही नहीं है दिन में। ऐसा लगता है दोपहर में जैसे कि मुझे कुछ ज्यादा ही आलस आने लगा है आजकल, क्योंकि कुछ काम नहीं है ना, शूटिंग भी नहीं करती हूँ दिन में, घर का भी कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं रहता है। झाड़ू पोछा ताई लगा देती है, कपड़े मशीन में धुल गए, बर्तन में हाथों हाथ धो लेती हूँ, बस कुछ ऐसा लग रहा है कुछ है नहीं काम, ऐसा लगने लगा है मुझे। और इसी वजह से मुझे थकान आलस और मक्कारी चढ़ती जा रही है, और बारिश तक कुछ हो ही नहीं रही। मैं रोज ऐसे अरमान लेके बैठती हूँ आज शायद बारिश होगी, आज कुछ हो कुछ नहीं। फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और कल फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सभी लोग अपना ख्याल रखना, सुना है कोरोना वापस आ रहा है ना, सही है क्या? शुभम बोल रहा था कल, मम्मी कोरोना इज बैक।